तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड्स चेकआउट नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो पिछले ही एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि तांजिरो उस डॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और उस डॉल को तोड़ने के साथ ही उसके अंदर से 300 साल पुरानी तलवार निकलती है। तांजिरो और कोतेत्सु दोनों ही उस तलवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कोतेत्सु तांजिरो से कहने लगता है कि तुम्हें इस तलवार को रख लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें वैसे भी एक तलवार चाहिए थी। और तांजिरो के मना करने पर कोतेत्सु बताने लगता है कि सेनगोकू पीरियड के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज किया जाता था। कोतेत्सु बताता है कि इस तलवार को तांजिरो ने निकाला है और ये उससे ही बिलोंग करती है। और आखिर में ये दोनों उस तलवार को निकालकर चेक करने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसके अंदर तो काफ़ी सारा जंग आया हुआ है, लेकिन फिर भी तांजिरो कहने लगते हैं कि इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगल के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और अचानक से इनके सामने एक बड़ा सा पहलवान आ जाता है और वो था होतारू हैजे नेजुका। हैजे नेजुका इनके पास आने के साथ ही कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी सभी बात सुन ली है और अब इस तलवार को तुम मुझे दे दो। तांजिरो उस तलवार को जाने देना नहीं चाहता था और यहाँ पर छीना छपटी शुरू हो जाती है। तांजिरो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें तलवार क्यों चाहिए, लेकिन होतारू सिर्फ यही कह रहा था कि उसे ये तलवार दे दो। और आखिर में वो उन दोनों को नीचे गिरा देता है। अब वहाँ पर एक स्वॉर्डस्मिथ केनामोरी भी आ जाता है। वो बताते कि होतारू की एक काफी खतरनाक कमजोरी है, उसे गुदगुदी काफी जोरों से होती है। गुदगुदी करने के साथ ही होतारू यहाँ पर शांत हो जाता है और फिर कोनामोरी तांजिरो से माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि ये दोनों ही लोग यहाँ पर जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि ये लोग तांजिरो के लिए इतनी मजबूत स्वॉर्ड बना सके जो कि कभी टूटे नहीं। और ये सुनने के साथ तांजिरो भी काफी ज्यादा खुश था। फिर वो कहने लगता है कि इन लोगों को तांजिरो के लिए स्वॉर्ड बनाना काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि बाकी के डीमन स्लेयर्स से इनकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते। लेकिन कोतेत्सु कहता है कि तुम्हें तो ठीक से बात करना भी नहीं आता और इसीलिए शायद तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अचानक से होतारू को भी होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो उस तलवार की पॉलिश कर देगा। कोतेत्सु कहता है कि तुम्हें ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन होतारू गुस्से में आकर उसे हवा में उठा देता है, लेकिन तांजिरो जैसे तैसे उसे संभाल लेता है। इस सब के बाद होतारू तांजिरो को एक दूसरी तलवार देकर चला जाता है। इस सब के बाद शाम हो चुकी थी और हमें पता लगता है कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने के लिए 3 दिन और 3 रातों का समय लगता है, यानी कि तांजिरो को यहाँ पर कुछ समय के लिए और रुकना था। पॉलिश करने का काम काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उससे कई बार काफी लोग मारे भी गए हैं। उन लोगों ने तांजिरो को भी वहां आने से मना कर दिया था और तांजिरो यहाँ पर गेन्या को ये सभी बातें बता रहा था। गेन्या गुस्से में तांजिरो से पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। गेन्या तांजिरो को वो बात याद दिलाता है जब उसने उसका हाथ तोड़ दिया था, लेकिन तांजिरो बताते कि उस चीज के अंदर तो तुम्हारी ही गलती थी। तांजिरो उसे दोस्ती के लिए राइस केक ऑफर करता है, लेकिन गेन्या उसे तोड़ देता है। गेन्या बताता है कि वो तांजिरो की बातों के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और अचानक से तांजिरो नोटिस करता है कि उसके सभी दांत सही सलामत है, लेकिन उस दिन तो उसने अपना एक दांत खो दिया था। गेन्या कहता है कि ऐसा तुम्हारे सपने में हुआ होगा, लेकिन तांजिरो उसे वो दांत निकाल कर दिखा देता है। गेन्या तांजिरो को बेवकूफ कहने लगता है क्योंकि उसने अभी तक वो दांत संभाल कर रखा हुआ था, और फिर वो उसे कमरे के बाहर लात मार देता है। इस सब के बाद तांजिरो नेजुको के पास चला जाता है और उसके बाल बनाने के साथ वो यही सोच रहा था कि आखिर गेन्या हर समय गुस्से के अंदर क्यों रहता है। तांजिरो फैसला करता है कि वो गेन्या के साथ अगले दिन नाश्ता करेगा, जिस वजह से उनकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। इस सब के बाद हमें एक स्वॉर्डस्मिथ दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग से नहाकर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक मटका पड़ा हुआ मिलता है और वो मटका उसे अपने अंदर खींच लेता है और कुछ ही देर बाद उस आदमी की बॉडी के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। और अब उस मटके के बाहर ग्यूको आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस आदमी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ग्यूको एपिसोड नंबर 1 के अंदर इसी सीक्रेट जगह की बात कर रहा था और वो और हांटेंगू यहाँ पर सभी स्वॉर्डस्मिथ्स को मारने आए हैं क्योंकि ना बनेगी तलवार तो ना कटेगी डीमंस की खोपड़ी। हांटेंगू यहाँ पर मुजान के गुस्से को याद कर रहा था और वो कहने लगता है कि इन लोगों के मरने के बाद मुजान जरूर खुश हो जाएंगे। इस सब के बाद हमें गेन्या दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड स्मिथ के पास गया था, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। वो अपनी तलवार लेने के साथ ही कहने लगता है कि बड़े भाई मुझे ये चीज करनी ही होगी। अब हम तांजिरो को सोता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी कोई उसकी नाक बंद कर देता है और तांजिरो देखता है कि उसके सामने मुइचिरो था। मुइचिरो तांजिरो से कानामोरी के बारे में पूछने लगता है। तांजिरो बताते कि उसने उसे होतारू के साथ देखा था और अगर वो चाहे तो वो उन दोनों को ढूंढने निकल सकते हैं।
मोइचिरो तांजीरो से पूछता है कि आखिर तुम लोगों की इतनी ज्यादा मदद क्यों करते हो। तांजीरो कहने लगता है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो बाद में वो लोग भी आपकी मदद करते हैं, और तांजीरो को हेल्प करने से खुशी मिलती है। ये चीज सुनने के साथ मोइचिरो हैरान हो जाता है। मोइचिरो अब तांजीरो को अपनी बात रिपीट करने को कहने लगता है, लेकिन अचानक से नेजुको भी जागकर तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी इनके साथ जाना चाहती थी। मोइचिरो नेजुको को देखकर हैरान था, और अचानक से इन दोनों को एक अजीब सी आवाज आती है। दरवाजे को खोलने के साथ ही एक डीमन अंदर आने लगता है, और वो हांटेंगू था। हांटेंगू यहाँ पर इन लोगों के सामने आंसू लेकर आता है, और ये दोनों ही इस बात को सोचकर हैरान थे कि आखिर एक डीमन इतना अंदर कैसे आ गया, और ये दोनों समझ गए थे कि ये कोई अपर रैंक का डीमन है। मोइचिरो उठने के साथ ही मिस्ट ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है, शिफ्टिंग ब्लू स्लैश, लेकिन हांटेंगू जाकर छत से चिपक जाता है। हांटेंगू कहने लगता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तांजीरो हिनोकागु कागुरो का सनफ्लावर थ्रस्ट यूज करता है, लेकिन हांटेंगू उससे भी बचकर जमीन पर आ जाता है। ये दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये डीमन इन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। नेजुको भी डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और हांटेंगू को जोर की किक मारती है। तांजीरो उसे फिर से नॉर्मल हो जाने को कहने लगता है क्योंकि डीमन फॉर्म के अंदर वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अचानक से मोइचिरो हांटेंगू की गर्दन उड़ा देता है, लेकिन तांजीरो को मालूम था कि अपर रैंक के सिर उड़ाने से कुछ नहीं होता। तांजीरो यहाँ पर सबको अलर्ट कर देता है। हांटेंगू की कटी हुई बॉडी के अंदर से एक और नई बॉडी रीजनरेट होने लगती है, और अब यहाँ पर एक के दो डीमन हो गए थे। तांजीरो और मोइचिरो दोनों ही एक एक डीमन को पकड़ लेते हैं। मोइचिरो हांटेंगू के पास भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हांटेंगू पंखे से उसकी तरफ हवा करने लगता है। उस फैन के अंदर से हवा का इतना बड़ा झोंका निकलता है कि मोइचिरो सीधा जंगल के अंदर पहुंच जाता है। नेजुको ने यहाँ पर तांजीरो को दूर जाने से बचा लिया था। अब इन दोनों डीमन्स के नाम सेकिडो और काराकू हो गए थे। सेकिडो काफी ज्यादा गुस्सैल था, और काराकू के अंदर सिर्फ खुशी भरी हुई थी। ये दोनों ही मोइचिरो के लिए अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं, और बेचारे तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो डीमन अपने हथियार को जमीन पर पटकता है, जिस वजह से उसके अंदर से बिजली निकलती है, और अब करंट का झटका सीधा तांजीरो को लगता है। तांजीरो की नजर अचानक से छत पर गेन्या के ऊपर जाती है, जो कि अपने हाथ के अंदर एक शॉटगन पकड़े हुए था। उसकी गन नेचुरल स्टील से बनी हुई थी। अब गेन्या गोली चला देता है, जिससे सेकिडो का गला टूट जाता है, लेकिन काराकोको को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गेन्या भागते हुए नीचे आता है और उस दूसरे डीमन की गर्दन भी काट देता है। तांजीरो गेन्या को वार्निंग देने लगता है कि अगर तुमने इन डीमन्स को काटा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हर बार एक पावरफुल डीमन का जन्म होगा। लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी। उन दो डीमन्स की कटी हुई बॉडी अब चार के अंदर रीजनरेट हो जाती है। तांजीरो यही सोच रहा था कि आखिर वो इन लोगों को कैसे हराए, लेकिन तीसरा डीमन तांजीरो को हवा में उड़ाकर लेकर चला जाता है, और इस डीमन के पास हवा में उड़ने की भी पावर थी। अब नेजुको को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, और तांजीरो उसे गेन्या की मदद करने को कहने लगता है। दूसरी तरफ फोर्थ डीमन ने अपना भाला गेन्या के शरीर के आर पार कर दिया था। तांजीरो अब चिल्लाते हुए नेजुको को गेन्या की मदद करने को कहने लगता है, लेकिन जिस डीमन ने तांजीरो को पकड़ा हुआ था वो उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि खुद खतरे में होने के बावजूद भी वो दूसरों की चिंता कर रहा था। वो डीमन तांजीरो पर अटैक करने वाला था, लेकिन तांजीरो हिनोकागु कागुरा से उसका पैर काट देता है। हवा में से नीचे आते समय तांजीरो एक टहनी को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी टूट जाती है। तांजीरो जोर से नीचे गिर जाता है, और उसे यहाँ पर काफी चोट लगी थी। वो अपने आप से उड़ जाने को कहने लगता है। तांजीरो सभी विलेजर्स को बचाना चाहता था, लेकिन उस चौथे डीमन का पंजा अभी तक तांजीरो के पैर पर है। उस पंजे के अंदर से भी एक डीमन निकल कर बाहर आ जाता है, और वो भी तांजीरो पर सोनिक अटैक करने वाला था। मोइचिरो होश में आ जाता है, और वो वापस विलेज की तरफ भागते हुए आ रहा था, और भागते हुए रास्ते में वो देखता है कि एक फिश जैसा डीमन कोतेत्सु को खाने की कोशिश कर रहा था। कोतेत्सु यहाँ पर सोच रहा था कि इस बच्चे की मदद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो कोई स्वॉर्डस्मिथ भी नहीं है, और जहाँ तक उसे पता है तो इस डीमन को भी स्पेल से ही बनाया गया है। मोइचिरो यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर पूरे विलेज पर अटैक हुआ है तो उसे यहाँ के विलेज के चीफ को बचाना होगा। मोइचिरो सोच रहा था कि सबसे पहले वो चीफ को बचाएगा, फिर बाकी लोगों को, और यहाँ उस डीमन ने कोतेत्सु को पकड़ लिया था। मोइचिरो सोच रहा था कि वो सिर्फ अपर रैंक्स को ही मारेगा। मोइचिरो सोच रहा था कि वो बच्चे को बचाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अचानक से उसे तांजीरो की कही हुई बात याद आ जाती है,
कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद हो जाती है। और अब मोइचिरो उस डीमन का हाथ काट देता है। और यहाँ पर कोतेत्सु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोइचिरो ने उसकी सचमुच में मदद करी है। मोइचिरो यहाँ पर लड़ाई करने को तैयार था और वो कोतेत्सु को वहाँ से जाने को कहने लगता है ताकि वो उसके रास्ते में ना आए। और बस इसी के चलते एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आप लोगों का आखिर उस 300 साल पुराने स्वॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।